Hello everyone, this is Shafqat Mahmood Yusufzai and you people are watching Smart Law Lecture. Dear friends, in this video lecture we will be discussing about two sections of Contract Act 1872, Section 6 and Section 7. Section 6 basically deals with revocation how made, and Section 7 is about acceptance must be absolute. Revocation ka matlab hai mansukh karna, yani ke aap फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, और मैं अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता हूं, तो मैं अपने ऑफर को रिवोक कैसे कर सकता हूं? तो इस सेक्शन में बेसिकली कुछ स्टिपुलेशंस दिए गए हैं कि ऑफर रिवोक हो जाता है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. फर्ज कीजिएगा मैंने आपको ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर 30 लाख का खरीदना चाहते हो, ठीक है, और बाद में मैं अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता हूं, मगर ये जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है ये मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा आपके एक्सेप्टेंस से पहले पहले. अगर आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो एट दैट टाइम मैं ऑफर रिवोक नहीं कर सकता. तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन जो है वो बिफोर एक्सेप्टेंस ही कम्युनिकेट किया जाएगा, तब ही ऑफर रिवोक किया जा सकता है. अदरवाइज अगर ऑफरी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, देन यू कैन नॉट रिवोक योर ऑफर. बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम इफ प्रिस्क्राइब इन सच प्रपोजल. फर्ज कीजिएगा मैंने आपको एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख का खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि आप मुझे 3 दिन के अंदर अंदर बता दीजिएगा अगर आपको मेरी गाड़ी खरीदनी है. तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर नहीं बताया तो इट मींस के ऑफर इज रिवोक्ड. ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा. और अगर 3 दिन के बाद अगर आप मुझे बताते हैं कि हाँ मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, तो एट दैट टाइम वो फिर मुझ पर डिपेंड करेगा कि मैं अपनी गाड़ी आपको भेजूं या ना भेजूं, मगर ऑफर जो है वो रिवोक हो जाता है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड इफ द टाइम पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफर. अगर ऑफर में आपको टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर दिया गया है तो आपको एक्सेप्टेंस भी उसी टाइम पीरियड में ही करना पड़ेगा, और अगर आपने एक्सेप्टेंस उस टाइम पीरियड में नहीं किया तो एट दैट टाइम जो ऑफरर है वो बाउंड नहीं होगा कि वो आपको वो चीज फिर या दे दें या आपको वो चीज भेज दें. इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है तो आपको एक्सेप्टेंस जो है विद इन रीजनेबल टाइम करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा आज जो है सितंबर है, मैंने आपको सितंबर के महीने में कहा, 15 सितंबर को कहा कि आप क्या आप मेरी गाड़ी 15 लाख का खरीदना चाहते हो, तो आपने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया, और बाद में आप 6 महीने बाद कहते हैं कि हाँ सर मैं आपकी गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो रीज़नेबल टाइम नहीं है. और रीज़नेबल टाइम बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस. तो रीज़नेबल टाइम में ही आप ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे. अगर वो रीज़नेबल टाइम नहीं रहा तो वहाँ पर ऑफरर बाउंड नहीं होता कि वो फिर अपना ऑफर जो है वो उसको फुलफिल करें. इसी तरीके से दोस्तों बाय इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर. फॉर एग्जाम्पल जो शख्स आपको ऑफर दे रहा है वो पागल हो जाए या वो ऑफरर जो है वो मर जाए, तो एट दैट टाइम ऑफर रिवोक हो जाता है. मगर यहां पर भी कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया है उसको एक्सेप्टेंस से पहले ही पता चल जाए कि जिस शख्स ने मुझे ऑफर दिया है वो या तो वो पागल हो चुका है या वो शख्स जो है मर चुका है. अगर उसको एक्सेप्टेंस से पहले पता ना हो और वो शख्स ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद कौन बाउंड होंगे? जो ऑफरर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर बाउंड होंगे कि वो उस प्रॉमिस को या उस ऑफर को फुलफिल करें. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया और ऑफर में कहा क्या आप मेरा घर 30 लाख का खरीदना चाहते हो, और ऑफर देने के बाद ए या पागल हो जाए या ए जो है मर जाए, मगर बी को एक्सेप्टेंस से पहले अगर पता चल जाए कि जिस शख्स ने मुझे ऑफर दिया था वो या पागल हो चुका है या वो मर चुका है, तो एट दैट टाइम ऑफर रिवोक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों. और अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया और बी के नॉलेज में यह बात नहीं थी कि जिस शख्स ने मुझे ऑफर दिया था
वो या पागल हो चुका है या वो मर चुका है, तो फिर एट दैट टाइम ये ऑफर जो है ये फिर रिवोक नहीं हो सकता। उसके अगर ए मर चुका है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। और अगर ए पागल हो चुका है तो एट दैट टाइम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वुड बी बाउंड टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंसेनिटी और डेथ जो है ये बिफोर एक्सेप्टेंस अगर ऑफरी को पता चल जाए तो फिर ऑफर रिवोक हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपको अपना घर ट्रांसफर करना चाहता हूं, मैं आपको अपना घर देना चाहता हूं, मगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले पहले आप सी और डी, आप सी और डी की खिदमत करेंगे। अगर बी ने सी और डी की खिदमत की तो उसका यह मतलब है कि जो कंडीशन ए ने इंपोज किया था वो कंडीशन बी ने फुलफिल कर दिया, तो एट दैट टाइम द ऑफर कैन नॉट बी रिवॉक्ड। ठीक है, और अगर बी ने सी और डी की खिदमत नहीं की तो एट दैट टाइम ऑफर जो है वो रिवॉक हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, मैं आपको एक ऑफर दूं और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको अपनी गाड़ी 10 लाख का बेचना चाहता हूं, ठीक है, मगर कंडीशन यह है कि आप मुझे एडवांस में 5 लाख रुपए देंगे। अगर आपने यह कंडीशन फुलफिल किया तो मैं अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, मगर अगर आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए तो फिर एट दैट टाइम आई कैन नॉट रिवोक माई ऑफर, मैं उस टाइम अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। और अगर आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो इसका यह मतलब है कि आपने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस। उस वक्त तक आप इस ऑफर को फुलफिल नहीं कर सकते जब तक आप मुझे 5 लाख रुपए नहीं दें। और अगर आपने 5 लाख रुपए दे दिया तो फिर यह तसव्वुर किया जाएगा कि आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, ये दो पॉइंट्स है, ये मैंने अलग इस वजह से लिखे गए क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये जजमेंट के हैं। ठीक है, ये हमें सेक्शन में बताया गया है, जबकि ये दो पॉइंट जो है ये जजमेंट्स के हैं। जजमेंट में कहा गया था कि रिजेक्शन ऑफ ऑफर से भी ऑफर खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर 30 लाख का खरीदना चाहते हो? और आपने कहा कि नहीं सर, मैं आपका घर 30 लाख का नहीं खरीदना चाहता, तो इट मीन्स कि आपने ऑफर को रिजेक्ट कर लिया और ऑफर खत्म हो जाता है। इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मैंने आपको कहा क्या आप मेरा घर, या फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा क्या आप मेरा घोड़ा 10 लाख, या सॉरी 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 50 हजार का खरीदना चाहते हो, तो अगर वो जो घोड़ा है वो मर जाए तो वहां पर ऑफर जो है वो रिवोक हो जाता है। सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्या आप मेरा मोबाइल 10 हजार का खरीदना चाहते हो? ठीक है, अब मेरा जो मोबाइल है वो किसी वजह से डैमेज हो जाए, मुकम्मल डेड हो जाए, तो जिस सब्जेक्ट, सो नाउ फ्रेंड वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच डील्स विद एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सो इट बेसिकली टेल्स अस दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब ये है कि फर्ज कीजिएगा मैंने आपको ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर 30 लाख का खरीदना चाहते हो? अगर आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ सर मैं आपका घर 30 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो इट मीन्स कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है? एब्सोल्यूट है और अनक्वालिफाइड है। और फर्ज कीजिएगा अगर आपने कहा कि जी सर मैं आपका घर खरीदना चाहता तो हूँ मगर सिर्फ और सिर्फ 25 लाख का, तो ये आपका एक्सेप्टेंस क्या है? ये आपका एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है काउंटर ऑफर। यानी कि जैसे ही आपको ऑफर दिया जाएगा, जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको ऑफर दिया जाएगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट डेट ऑफर अलॉन्ग विद दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। फर्ज कीजिएगा मैंने आपको एक ऑफर दिया, मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, मगर आप क्या करेंगे? आप इसके बदले में मुझे अपना मोबाइल देंगे और साथ में 5 हजार रुपये देंगे। अगर आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि ठीक है सर मैं आपका मोबाइल ले लूंगा और इसके बदले में मैं आपको अपना मोबाइल और साथ में 5 हजार रुपये भी दे दूंगा, तो इट मीन्स कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है? एब्सोल्यूट है और अनक्वालिफाइड है। लेकिन फर्ज कीजिएगा आपने कहा कि नहीं सर मैं
आपको अपना मोबाइल तो दे दूंगा मगर साथ में 5,000 रुपये नहीं दे सकता। तो ये आपका जो एक्सेप्टेंस है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि आपका एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड है। तो इट मींस के जैसे ही आपको ऑफर दिया जाएगा आपको ऑफर वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप उस ऑफर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस में रदो बदल करते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता बल्कि उसको या तो काउंटर ऑफर माना जाता है या उससे ऑफर जो है वो रिवोक हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। फर्ज कीजिएगा मैंने आपको मैसेज के जरिए से बताया क्या आप मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो, तो आप क्या करना है मुझे मैसेज के जरिए से ही रिप्लाई देना है कि हाँ सर मैं आपका घर 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर, मतलब कि एज यूजुअल लोग एक दूसरे को जो ऑफर और एक्सेप्टेंस देते हैं, या अगर मैंने आपको मैसेज के जरिए से बताया क्या आप मेरा घर 30 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो और बाद में जो है या अगले दिन आप मुझे रास्ते में मिले और आपने कहा कि जी सर मैं आपका घर जो है वो 30 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो ये एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में आपको अपना एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट करना है ऑफरर को। इसी तरीके से दोस्तों इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन डेट मैनर। अगर प्रपोजल में कुछ मैनर बताया गया है, फर्ज कीजिएगा कि ए ने बी को ऑफर दिया व्हाट्सएप के जरिए से और कहा कि क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो, ए ने बी से कहा व्हाट्सएप के जरिए से, और साथ में कहा कि अगर आपको ये ऑफर मंजूर है, अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करेंगे, यानी कि आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं बताएंगे या आप मुझे मैसेज भी नहीं करेंगे बल्कि आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि हाँ मैं आपकी जो गाड़ी है वो 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता हूं। तो फिर जो ऑफरी है वो बाउंड है कि वो उस मैनर में ही अपने एक्सेप्ट को कम्युनिकेट करें ऑफर ऑफरर को। अब दोस्तों इफ द प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब मैनर देन द प्रपोजर मे विद इन अ रीजनेबल टाइम इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शुड हैव एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड इफ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि ए ने बी को व्हाट्सएप के जरिए से बताया क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो और साथ में बताया कि अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि मैंने आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब बी क्या करता है कि बी भी व्हाट्सएप के जरिए से ही रिप्लाई दे देता है कि मैं आपकी गाड़ी जो है वो 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, और ए वो मैसेज देख के खामोश हो जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि ए ने उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर जैसे ही ए व्हाट्सएप को खोलता है और देखता है कि बी ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो विद इन अ रीजनेबल टाइम ए क्या करेगा, बी को बताएगा कि मैंने आपको बताया था कि आप मुझे कॉल करेंगे, लिहाजा आपने कॉल नहीं किया और मैंने इंतज़ार तो बहुत किया मगर आपने मुझे कॉल नहीं किया, लिहाजा वो गाड़ी जो है वो मैं किसी थर्ड पर्सन को बेच चुका हूँ। तो उस टाइम जो है वो ऑफरर बाउंड नहीं होगा कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करें। तो इस सेक्शन में इतना ही, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।